हाय एवरीवन, आईसर 2023 का जिन लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। जेई की तो जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तीन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसका मैं डिस्कशन उसका भी करूंगा, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट आपका जो एकदम मस्ट मस्ट तो सारे डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ अपने पास रखना ही होगा। लेकिन डाउट जो बच्चों के मन में आ रहा है, एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था, सेम इत्तेफाक से सेम मैसेज दो तीन बच्चों का फिर उसके बाद तुरंत आया हुआ था, मतलब तुरंत क्या पढ़ा हुआ था मैसेज, मैंने सुबह देखा था, तो दो तीन बच्चों का सेम कमेंट आया हुआ है कि भैया जैक एप्लीकेशन फॉर्म, जैक एडमिशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, तो तीनों में भैया डिफरेंसेस हैं, तीनों में यार गलत चीज अपलोड मत कर देना इधर उधर। तीनों में डिफरेंसेस क्या है, एडमिशन एडमिट कार्ड की बात करते हैं, एडमिट कार्ड यानी जो आपका हॉल टिकट है, ठीक है। जेई वाले स्टूडेंट्स का हॉल टिकट नहीं लगता है, ठीक है, उनका स्कोर कार्ड लगता है जेई वाले बच्चों का। और जिनका जो बच्चे जेई के नहीं है, जो आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट दिए हुए हैं, उनका सीधा सीधा वो हॉल टिकट जो आपका था, जो हॉल टिकट आप लेके एग्जाम देने गए थे वो लगेगा हॉल टिकट। अब बात करते हैं एडमिशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भरा हुआ था, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने लॉग इन करके पूरा फॉर्म फिलआउट किया था। फॉर्म फिलआउट करने के बाद एक बहुत जो लंबा चौड़ा इंटरफेस आता है आपका, नेम डिटेल्स, क्या कहाँ पे रहते हो, क्या सेंटर चाहिए, पूरा लिखा होता है, आपका सिग्नेचर, फोटो एंड आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सब वहीं पर अपलोड रहते हैं। जब आप लॉग इन करके इंटरफेस पे आते हो वही जो पूरा चिट्ठा है वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। वो समझ में आ गया हो, चाहे वो जेई वाले बच्चे हो चाहे आईसर वाले बच्चे हो, वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। होप सो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एडमिशन फॉर्म की बात करें तो एडमिशन फॉर्म जैक एडमिशन फॉर्म अलग होता है, उसमें बस आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, अपना आधार नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका जो ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी वो भरना होता है, फादर की ईमेल आईडी भरनी होती है एंड आपका जो फ़ोन नंबर होता है वो भरना होता है, फादर का फ़ोन नंबर भरना होता है एंड एक दो चीज़ें जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो भरना होता है, फादर का नाम, अपना नाम, ये सब भरना होता है, बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं। एक पेज का बस वो फॉर्म रहता है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, जो ऑफर लेटर मिला है उसमें कई सारे URLs दिए होते हैं, लिंक्स दी होती हैं फॉर्म्स डाउनलोड करने की, तो उसी में आपको URL दिया होगा। तो ऑफर लेटर आपको जैक एडमिशन फॉर्म आपको ऑफर लेटर में जो URL दिया होगा वहीं से मिलेगा, नहीं मिलता तो आप उनको ईमेल करी कि सर मेरे को एडमिशन फॉर्म चाहिए, तो वो आपको एडमिशन फॉर्म भेज भी देंगे, तो ईमेल कर सकते हैं आप उनको। तो ये तीनों डिफरेंसेस होते हैं, होप तो समझ में आ गएंगे, इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में, बाय बाय।